हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज ये पैटर्न लेके आई हूँ क्रोशिए का। ये पैटर्न बहुत इजी है फ्रेंड्स और बहुत सुंदर है। इसे आप लेडीज जैकेट पे बना सकते हैं, बच्चों के स्वेटर पे बना सकते हैं, शॉल स्कार्फ दोनों तरफ से एक जैसा पैटर्न। तो बेबी ब्लैंकेट पे अप्लाई कीजिए, मफलर पे अप्लाई कीजिए, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमें 4-4 के मल्टीपल में थ्री थ्री के मल्टीपल में स्टिचेस चाहिए और प्लस वन कर लेंगे, डिजाइन हमारा सेट हो जाएगा। फोर फोर के मल्टीपल करके प्लस थ्री कर लेंगे तो डिजाइन हमारा सेट हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप देखते रहे नए से नए डिजाइन। तो आइए करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे बनाए प्रोजेक्ट पसंद आ रहे हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो सब भी एंजॉय कर सकें। तो आइए करते हैं स्टार्ट, कैसे बना है ये डिजाइन। तो इसके लिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ एक बेसिक रो तैयार कर ली है, तो इसी के ऊपर आपको डिजाइन बनाना बता दूंगी। यहाँ फ्रेंड्स, एक फंदा हम एक चेन बना लेंगे, उसके बाद एक और दो स्टिच हम बना लेंगे सिंगल क्रोशिया से। इसके बाद हमने तीन चेन करनी है, एक दो स्टिच छोड़ने हैं और तीसरे में आके टक कर लेना है इस तरह से। फिर से तीन चेन करेंगे, एक दो तीसरे में टक करेंगे, फिर से तीन चेन, एक दो तीसरे स्टिच में टक कर लेंगे। पूरी रो इसी तरह कंप्लीट करते जाएंगे। एक दो तीन, और यहां हम लास्ट में आ गए हैं, एक और दो। ये देखिए, नेक्स्ट रो पे आ गए हैं, दो चेन करके एज स्टिच बना लेंगे, एक दो। यहां फ्रेंड्स, एक चेन बना लेंगे, तो ये जो तीन चेन की है हमने, इसके अंदर हम बनाएंगे दो स्टिच, एक दो, फिर एक चेन, फिर ये नेक्स्ट वाली चेन में आ जाएंगे। ये देखिए, यहां जो तीन चेन की है, एक दो तीन, फिर एक चेन, और सॉरी दो स्टिच बनाएंगे, यहाँ पे एक चेन बनाएंगे, फिर यहां पर एक दो, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट एक दो, फिर एक चेन, एक दो, एक चेन, यहां पर एस स्टिच बना लेंगे, एक दो। नेक्स्ट रो पे आ गए हैं, तो यहां दो चेन कर लेंगे, एस स्टिच लगा लेंगे, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ कैसे करना है। क्रोशिया हुक पे धागे को लेंगे, तो ये जो एक चेन हमने बीच में बनाई थी, यहां से ऐसे एक स्टिच लेंगे, ऐसे। इसके बाद एक चेन करेंगे, अब देखिए यहाँ वापस आ जाएंगे, यहाँ एक चेन बनाई थी, तो यहां से एक स्टिच ले लेंगे, क्रॉस करेंगे यहाँ स्टिच को, ये देखिए इस तरह से। फिर देखिए, इसको छोड़ के हमने यहाँ पे आ जाना है,
ऐसे। अब एक चेन बना लेनी है। अब देखिए इस तरफ से हमने ऐसे वापस आ जाना है, यहाँ एक स्टिच बना लेना है। ये देखिए इधर से एक स्टिच लिया। अब एक चेन बनाइए, पीछे वाला स्टिच बना लेंगे ऐसे। ये देखिए एक स्टिच हमने यहाँ से लिया। अब एक चेन बनाइए, अब यहाँ से ऐसे। अब देखिए एक चेन बना लेंगे और फिर ये वाला स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब ये एज स्टिच बना लेंगे। ये देखिए ये तीन रो हमारी डिजाइन की हैं। अब देखिए जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी वही बनाएंगे। एक चेन करेंगे, दो सिंगल क्रोशिया करेंगे, तो ये हमारा एज स्टिच बन जाएगा। तो इसके बाद हमने एक दो तीन चेन करनी है, तो यहाँ पे ऐसे टक कर लेना है इस तरह से। अब फिर से तीन चेन करेंगे, यहाँ टक करेंगे। फिर से तीन चेन और इसको हमने यहाँ टक करना है और ये दो स्टिच हमारे एज वाले हैं। नेक्स्ट रो पे आते हैं, दो चेन कर लेंगे और एज स्टिच लगा लेंगे डबल क्रोशिया से। एक रो हमारी सिंगल क्रोशिया की आती है, बाकी दो रो हमारी डिजाइन की डबल क्रोशिया से आती हैं। एक चेन और यहाँ पर दो स्टिच, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट वाले में फिर से दो डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, दो डबल क्रोशिया, एक चेन, दो डबल क्रोशिया, एक चेन, दो डबल क्रोशिया, एक चेन और एज स्टिच। देखिए दो चेन की और एज स्टिच लगा लिए। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बनाएंगे सबसे पहले हम स्टिच इस तरह से क्रॉस करके। ये देखिए एक चेन, अब ये पीछे से बनाएंगे ऐसे। ऐसे अब एक चेन, फिर यहां से क्रॉस करके बनाएंगे। एक चेन, अब वापस एक स्टिच यहां से, फिर एक स्टिच यहां पीछे से बनाना है। एक स्टिच हम यहां से बना रहे हैं, फिर एक स्टिच यहां से बना रहे हैं बैक साइड से। और ये हमारा एज स्टिच।
इसी तरह से फ्रेंड्स ये डिज़ाइन आगे बनता जाएगा। आप बना के देखिए और फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।